गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम ये प्रॉब्लम जो दी हुई है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की प्रॉब्लम में, और सेम डाटा के साथ सेम प्रॉब्लम पहले भी आ चुकी है। मैंने आपको बताया था एमके लिमिटेड मैन्युफैक्चर फोर प्रोडक्ट ए बी सी डी यूजिंग द सेम प्लांट एंड प्रोसेसेस। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू प्रोडक्शन पीरियड इज दिस। द फोर प्रोडक्ट आर सिमिलर एंड आर यूजुअली प्रोड्यूस इन द प्रोडक्शन रन ऑफ 24 यूनिट्स ओके एंड सोल्ड इन, इसको अंडरलाइन कर दें, बैचेज ऑफ 12 यूनिट्स। मतलब सेल के बैचेज जो हैं वो 12 हैं, प्रोडक्शन के बैचेज 24 यूनिट्स के हैं। ऑपरेशंस के खर्चे दे रखे हैं सारे, ये कॉस्ट ड्राइवर दे रखे हैं ओके। इन्होंने ये भी बताया है कि मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी अपॉर्शन्ड बिटवीन दिस, इन कॉस्ट में बढ़ जाएगी ठीक है। नंबर ऑफ रिक्विजन रेज्ड ऑन स्टोर इज 50 फॉर ईच प्रोडक्ट ओके एंड नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड इज 192 ईच ऑर्डर बीइंग ऑफ ओके ठीक है। अब हमें देखना है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, देखते हैं कितने बनते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एंड कॉस्ट ड्राइवर रेट। पहले तो जो एक्टिविटीज हैं उनके हिसाब से हम उनको बांट लेंगे। तो हमारे पास जो एक्टिविटीज बताई हैं इन्होंने वो बताई है सेटअप, फिर है स्टोर रिसीविंग, फिर है इंस्पेक्शन, और चौथा है डिस्पैच, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच ठीक है। चलिए तो जो कॉस्ट थी वो लिख लें, चारों की अलग अलग कॉस्ट दी है। एक तो स्पेसिफिक कॉस्ट हो गई, सेटअप की है 20,000, 15,000, 10,000 एंड 2592 ठीक है। दूसरा मटेरियल मेंटेनेंस को जो बांटना है, स्टोर रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन में बांटना है, मतलब हैंडलिंग में नहीं जाना है। दूसरा एलोकेटेड कॉस्ट ऑफ मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 63,000 का 4x9 28,000, 63,000 का 3x9 21,000, और 63,000 का 2x9 14,000, ये बट गया। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 48,000, 36,000, 24,000, 2592 सही है। अब मैं बेसिस दिया है इन्होंने और कॉस्ट ड्राइवर, यह है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन इसमें है रिक्विजन रेस्ट, नंबर ऑफ रिक्विजन इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, और यह है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर
यहाँ दिए हैं ये 192 है, ये इन्होंने 200 है, 50 × 4 प्रोडक्ट। इन्होंने बोला था हर प्रोडक्ट के लिए 50 इक्वेशन है, ठीक है। अब मुझे एक वर्किंग नोट बनाना है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ए बी सी डी, क्वांटिटी दे रखी है 720, 600, 480, 504, बैच पर बैच साइज क्या है 24, नंबर ऑफ बैच 30, 25, 20, 21, टोटल हो गए 96, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन आ गए 96। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट इसमें आएगा 500, ये 500, ये 250, ये 180, ये कॉस्ट ड्राइवर रेट निकला है हमारे, ठीक है। और इसका आएगा 13 रुपये 50 पैसे, समझ गए। ये टोटल कॉस्ट थी और इससे डिवाइड कर दी हमने उनके ड्राइवर रेट से। अब हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था हमसे, पूछा गया था कैलकुलेट दी टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। हम कैलकुलेट कर देते हैं, नंबर ऑफ बैच ये प्रोडक्शन के लिए और ये सेल के लिए, तो ये आ जाएंगे 60, 50, 40, 42, 192, ठीक है। अब हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, यहां लिखेंगे हम प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी, ठीक है। पहला है हमारा सेटअप, सेटअप में 500 × 24, सॉरी 500 × 30, 500 × 25, 500 × 20, 500 × 21, 15,000, 12,500, 10,000, 10,500। दूसरा है स्टोर, स्टोर में 50 × 180, 9,000, तो सबका ही 9,000 है क्योंकि बराबर स्टोर इशू हुआ है। तीसरा है इंस्पेक्शन, तो 250 × 30, 250 × 25, 250 × 20, 250 × 21, तो ये 7,500, 6,250, सॉरी कैलकुलेशन ध्यान नहीं दिख रही थी आपको, ये 5,000 और ये 5,250, ठीक है। और चौथा था हमारा मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच, ये था 13 रुपये 50 पैसे इंटू 60, 13 रुपये 50 पैसे इंटू 50, 13 रुपये 50 पैसे इंटू 40,
13 रुपये 50 पैसे इंटू 42, 13 6 78, तो ये आ जाएगा 810, 13 5 65। कैलकुलेट कर ही लेते हैं, ये आएगा 675, ये आएगा 540, ये आएगा 567। ठीक है, टोटल ओवरहेड्स ये आएगा 32 310, 28 425, 24 540, 25 317। नंबर ऑफ यूनिट्स 720, 600, 480, 504। तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इसका आएगा 44.875, 47.375, 51.125 एंड 50.232। ठीक है, तो आपको मैंने बताया एबीसी में सभी क्वेश्चंस एक ही फॉर्मेट में फॉलो करते हैं, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्पेसिफिक अलग तरीके से सॉल्व करने पड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।